क्योंकि इकोनॉमिक लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि कोई आर्थिक कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही थी, तेल का दाम गिर के $19.56 तक पहुंच गया और जब उठना शुरू हुआ वो $120 के ऊपर दे गया। कई ऐसे देश हैं इंक्लूडिंग भारत के आसपास, मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जहां पे उनको शाम को 8 बजे अपनी बिजली बंद करनी पड़ती है क्योंकि दे डोंट हैव एनर्जी। एक और देश है हमारे दक्षिण में, उनके यहां स्थिति ऐसी है कि वो रायट्स हो गए, ना पेट्रोल ना डीजल। हमने इनफैक्ट उनको जाके कोई $3 बिलियन या $4 बिलियन की क्रेडिट लाइंस दी और उनको सप्लाई किया। बड़े गर्व के साथ मैं आपके सामने ये स्टेटस रिपोर्ट दे रहा हूं, इस सारे पीरियड में भारत में किसी कोने में भी एक दिन भी एनर्जी की कमी नहीं आने दी। जब नॉर्थ ईस्ट में बहुत भारी वर्षा हो रही थी तो हमारे ऑयल कंपनी के लोगों ने अपने कंधों पे गैस के सिलेंडर लोगों तक पहुंचाए। पिछले अप्रैल से हमारे पेट्रोल के दाम बढ़े नहीं है, पेट्रोल डीजल के दुनिया में पता नहीं कितने 100% बढ़ गए। ये हमने कैसे मैनेज किया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो ओकेजन्स पे, नवंबर 2021 और मई 2022, अपनी जो हमारी सेंटर की एक्साइज ड्यूटी होती है वो कम की और इस समय हमारे पेट्रोल और डीजल के दाम दुनिया भर में सबसे कम में से हैं। और हमारे जो यहाँ पे हमारी बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने भी अपना वैट कम किया। इसके कारण ये होता है कि अगर एक तरफ यहाँ बीजेपी की स्टेट हो और दूसरी नॉन बीजेपी की स्टेट हो, पेट्रोल और डीजल में 10-10 रुपए का अंतर भी उनमें, और हल्ला सबसे ज्यादा वही लोग मचाते हैं जो उन्होंने अपने यहाँ